नहीं होता सिलेक्शन, ये मत सोचो कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, आप ये सोचो कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो कहीं हम फंस ना जाए। मेरा यही अनुभव है अलग जी, IIT कानपुर में मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जिन बेचारों की जिंदगी खराब हो गई IIT में आकर के। क्यों? क्योंकि एग्जाम पास कर लिया उन्होंने JEE का और अपने मस्तिष्क का विकास नहीं किया, अपने स्किल्स का विकास नहीं किया, कुछ तो भी करके कुछ ढेर सारे फॉर्मूला याद करके ये वो करके और कुछ तो भी हो गया, कट ऑफ भी बड़ा कम होता है, तो वो सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर आने के बाद तो उनको कोई कोचिंग देने वाला है नहीं, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला है नहीं, कोई सॉल्यूशन सबसे नीचे सबसे नीचे कोई सॉल्यूशन बुक है नहीं और कोई एक टेक्स्ट बुक है नहीं NCERT के टाइप की, बहुत ज्यादा बच्चा स्पून फीडिंग से पहुंच रहा है, ये तो सच है। और यहां करके उसको एकदम से लटका दिया जाता है ना, खड़े हो जाओ। पहले तो खूब सारी स्पून फीडिंग करा दी, उसके हाथों में ताकत बनने नहीं थी, उसके पैरों में ताकत बनने नहीं थी और दुबला पतला और उस तरीके का शक्तिहीन बच्चा, और वहां जाके कह दिया अब तो बस खड़े हो जाओ यहाँ पे, अब दौड़ो। तो फिर वो वहाँ पे उसकी जिंदगी इतनी खराब हो जाती है कुछ बच्चों की कि हम लोग कहते हैं कि अगर ये फेल हो गया होता अगर JEE में तो अच्छा आज होता। तो अच्छा होता आज ये किसी दूसरी जगह की इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा कर रहा होता, बेहतर कर रहा, यहाँ से तो बेहतर ही कर रहा होता। तो आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, आप ये सोचो कि अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है और सिलेक्शन हो गया तब क्या होगा, फंस जाओगे बुरी तरह फंस जाओगे।